अभी करते हैं फटाफट से लाइट टेस्ट। यहाँ पे अपनी जो स्पोर्ट्स पुलिस कार है इसके इंजन में भी लाइट आती है, ऊपर भी लाइट आती है। इस कार यहाँ पे दोनों के बीच में काफी ज्यादा कड़ा मुकाबला चल रहा है। देखो भाई दोनों आसपास में ही चल रही है। वेलकम बैक टू द चटपट टॉय टीवी। मेरा नाम है रयान। आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट्स करके बोला था कि हाई स्पीड पुलिस कार की अनबॉक्सिंग करने के लिए। यहाँ पर देखो मेरे पास दो हाई स्पीड पुलिस कार है। ये है स्पोर्ट्स पुलिस कार, इसके अंदर बंद है मसल पुलिस कार। दोनों ही कार जो है बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, दोनों की स्पीड बहुत ही ज्यादा है। चलो दोस्तों फटाफट से करते हैं दोनों की अनबॉक्सिंग और टेस्टिंग। सबसे पहले इस वाले पुलिस कार को अपन अनबॉक्सिंग करते हैं। इसको मैंने खरीदा था 2800 रुपीस में। अगर आप इसको खरीदना चाहते हो तो इस वीडियो पर क्लिक करो, यहाँ पर आपको एक बैग दिखाई देगा। बैग पर जैसे ही क्लिक करोगे इसका बाय लिंक आपको मिल जाएगा। ये जो पुलिस कार है भाई तीन चार कलर्स में मिल जाती है, जैसे कि व्हाइट कलर में भी मिल जाती है। अपन ने यहाँ पे खरीदी है ब्लैक एंड व्हाइट कलर वाली कार। चलो फटाफट से इसको मैं खोलता हूँ यार, इसको यहाँ से ओपन कर लेते हैं। दोस्तों आपने अभी तक इस वीडियो पर लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके घंटी भी दबा देना। तो ये देखो गाइस आ गई अपनी पुलिस कार बाहर। ओ माय गॉड क्या जबरदस्त डिजाइन है भाई। यहाँ पे लिखा है पुलिस बोलकर और ऊपर देखो पुलिस की बत्ती वगैरह भी दी गई है। यहाँ पर है इसका रिमोट। ये जो रिमोट है ना भाई बहुत ज्यादा यूनिक है। 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का रिमोट इसके साथ अपने को मिल जाता है। तो इसकी बैटरी और चार्जर ये रही, नॉर्मल सी बैटरी है भाई 4.8 वोल्ट की। ये है इसको चार्ज करने का चार्ज। अभी अपन अनबॉक्स करते हैं ये वाली पुलिस कार को। इसके साथ कोई भी प्रॉपर डिब्बा वगैरह नहीं मिलता है भाई, इसी तरह से पैक होकर मेरे को ये मिली थी। चलो इसको मैं यहां से कट कर लेता हूं यार। ये कार भी आपको बता देता हूं फटाफट से। ये देखो भाई जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था, इस तरह की कार अपने को इस बॉक्स के अंदर मिल जाती है। ओ माय गॉड इसका इंजन देखो यार, कितना ज्यादा बड़ा यहाँ पे इंजन इसके अंदर दिया गया है। तो भाई पीछे के व्हील्स देखो कितने ज्यादा बड़े बड़े दिए गए हैं। इसका मतलब ये है कि इसकी टॉप स्पीड बहुत ही ज्यादा होने वाली है। देखते हैं इसके साथ क्या क्या मिलता है भाई। सेम टू सेम रिमोट मिलता है। तो यहाँ पर सेम बैटरी भी अपने को मिल जाती है। ये देखो भाई ये है 4.8 वोल्ट की बैटरी। सेम चार्जर इसके अंदर भी मिल जाता है। दोनों पुलिस कार्स को मैंने साइड बाय साइड रख दिया है, दोनों को फटाफट से कंपेयर करके देख लेते हैं भाई। यहाँ पे सबसे पहले इनका नंबर मैं आपको दिखा देता हूँ। ऊपर इसका नंबर लिखा है 7559, इस कार का नंबर है 650। सामने की तरफ दोनों के भी इंजन देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर इसका इंजन देखो यार थोड़ा सा छोटा है। सामने की तरफ बहुत सारी LED लाइट्स इसके अंदर दी गई है। सामने हेडलाइट जैसा कुछ डिजाइन है। इसके अंदर देखो यार इतना ज्यादा बड़ा इंजन है और इसके अंदर भी बहुत सारी LED लाइट्स देखने को मिलती है। इसके देखो यार दोनों के दोनों तरफ के व्हील्स बिल्कुल सेम टू सेम साइज के दिए हुए। साइड में दोनों को भी लिखा है पुलिस बोलकर। नीचे की तरफ मैं आपको बताऊं तो नीचे की तरफ से दोनों कार जो है काफी ज्यादा डिफरेंट नजर आती है। यहाँ पे दोनों का बैटरी कंपार्टमेंट है, देख सकते हो। ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी भाई दोनों की काफी ज्यादा सॉलिड है। आप जितना भी तोड़ना चाहो बिल्कुल भी दोनों कार जो है टूटने वाली तो मेरे को लगती नहीं है। पीछे की तरफ से भी मैं आपको दिखा देता हूँ, दोनों के अंदर अपने को स्पॉइलर देखने को मिल जाते हैं। एक जो है बहुत ही ज्यादा सुपर कार की तरह दिखाई देती है, एकदम मसल कार की तरह। ये जो कार है ना भाई एकदम स्पोर्ट्स कार की तरह दिखाई देती है। दोनों ही रिमोट 2.4 गीगाहर्ट्ज़ के फ्रीक्वेंसी के साथ आ जाते हैं। तो चलो दोस्तों अभी चलते हैं अपन लोग बाहर, फटाफट से कराते हैं भाई दोनों की फाइट, देखते हैं आज कौन सी कार जीतेगी। लेट्स गो। यहाँ पे सबसे पहले इनकी बैटरी मैं अपग्रेड करके बता देता हूँ। इसके साथ अपने को 4.8 वोल्ट की बैटरी मिली थी। ये बैटरी अपन इसके अंदर यूज नहीं करेंगे भाई, क्योंकि ये जो बैटरी है बहुत ज्यादा कमजोर होती है। इसके अंदर अपन डालने वाले हैं 7.4 वोल्ट की बैटरी मसल पुलिस कार के अंदर, और अपनी जो स्पोर्ट्स पुलिस कार है इसके अंदर डालेंगे 6 वोल्ट की बैटरी, क्योंकि स्पोर्ट्स पुलिस कार जो है ना भाई 7.4 वोल्ट की बैटरी सपोर्ट नहीं करती है। ऑलराइट दोस्तों मैं आ चुका हूं बाहर। यहां पर दोनों को मैंने साइड बाय साइड रख दिया है। यार क्या लुक है दोनों का। अभी दोनों को फटाफट ऑन करते हैं। मसल पुलिस कार की साउंड देखो भाई क्या जबरदस्त तरीके से आ रही है। सुपर पुलिस कार की भी आवाज बहुत ही खतरनाक दी गई है। सबसे पहले इसकी साउंड चेक करते हैं भाई। ये जो ऊपर वाला बटन है अपन जैसे ही प्रेस करते हैं इसके अंदर देखो अलग अलग तरह की साउंड अपन लगा सकते हैं। ये पुलिस की साउंड है, तीन चार तरह की पुलिस की साउंड इसके अंदर अपन लोग चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं भाई। बहुत ही खतरनाक सी साउंड है यार। अगर कोई चोर इस आवाज को सुन लेना भाई उसकी तो फटके हाथ। इतनी ज्यादा खतरनाक साउंड इसके अंदर दी गई है। तो भाई रिमोट काफी अच्छा है। अभी मसल पुलिस कार को चला के देखते हैं। इसको मैंने ऑन कर दिया है पर इसके अंदर कोई भी पुलिस की साउंड मेरे को सुनाई नहीं दे रही है। इसके अंदर सिर्फ ये जो गाड़ी है ना इसकी इंजन की साउंड ही आ रही है। बाकी कार काफी अच्छी कंट्रोलिंग है, रिमोट काफी अच्छी तरीके से काम कर रहा है। रिमोट बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिव लगा मेरे को, कार के ब्रेक्स भी काफी अच्छी तरीके से लग रहे हैं। अभी कराएंगे दोनों के बीच में रेस, देखते हैं भाई कौन है सबसे ज्यादा फास्टेस्ट पुलिस कार। यहाँ पे दोनों के बीच में काफी ज्यादा कड़ा मुकाबला चल रहा है। देखो भाई दोनों आसपास में ही चल रही है। अभी दोनों के अंदर स्पीड बढ़ाते हैं भाई। जैसे ही मैंने स्पीड बढ़ाई है भाई अपनी देखो स्पोर्ट्स पुलिस कार काफी ज्यादा आगे निकल चुकी है। दोस्तों पीछे पीछे जा रही है मसल पुलिस कार। देखते हैं भाई स्पोर्ट्स पुलिस कार को पीछा कर पाती है या नहीं। यहाँ पे जीत चुकी है अपनी स्पोर्ट्स पुलिस कार।
दोनों के बीच में पुशबैक करा के देखते हैं भाई कौन है सबसे ज्यादा पावरफुल पुलिस कार। दोनों को आमने सामने में रख दिया है। ओ माय गॉड क्या टक्कर हुई यार दोनों के बीच में। ये देखो भाई स्पोर्ट्स पुलिस कार उछल कर पीछे आ चुकी है। अभी देखो भाई दोनों कार तो एक ही जगह पर रुक चुकी है, दोनों एक दूसरे को ढकेल नहीं पा रही है। देखते हैं भाई यहाँ पे क्या होगा, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग से लड़ाई हो रही। अरे भाई अपनी मसल पुलिस कार थोड़ा थोड़ा पीछे हटने लगी है, स्पोर्ट्स पुलिस कार काफी ज्यादा मेरे को पावरफुल लग रही है। देखो भाई इसको पीछे ढकेलने में कामयाब हो चुकी है भाई, पावर के मामले में जीत चुकी है अपनी स्पोर्ट्स पुलिस कार। अभी कराते हैं वेट पुल टेस्ट। मसल पुलिस कार के पीछे मैंने बांध दी है आरसी थार, एकदम भारी भरकम कार है भाई साहब ये। तो देखते हैं भाई इसको खींच के लेके जाती है या नहीं। थोड़ा सा तो खींच रही है पर बहुत ज्यादा स्लो तरीके से खींच रही है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं भाई, देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। ओ माय गॉड यहाँ पे पूरी तरीके से रुक चुकी है, एकदम झटका मारकर खींच रही है, जैसे कि देख सकते हो एकदम कंसिस्टेंट तरीके से खींच नहीं पा रही है। सेम टेस्ट करते हैं पुलिस स्पोर्ट्स कार के साथ। भाई इसको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई, देखो कितना स्मूथ तरीके से इतना ज्यादा वेट भी खींच के लेके जा रही है। तो भाई यहाँ पे क्लियरली जीत चुकी है अपनी पुलिस स्पोर्ट्स कार वेट खींचने के मामले में। भाई बहुत ही दमदार कार ये मेरे को लग रही है, बहुत ज्यादा पावर है इसके अंदर। अभी कराएंगे दोनों के बीच में टग ऑफ और देखते हैं भाई मसल पुलिस कार अपना बदला ले पाती है नहीं। दो बार ये हार चुकी है कंसिस्टेंट तरीके से, देखते हैं यहाँ पे कौन जीतेगा। यहाँ पे तो मैंने स्टार्ट कर दिया यार, देखो दोनों ही कार्स यहाँ पे एक जगह आकर रुक चुकी है। भाई मेरे को लग रहा है यहाँ पे टाई होने ही वाला है, तो देखते क्या होता है। अरे नहीं गाइस टाई नहीं हो रहा है, देखो अपनी स्पोर्ट्स पुलिस कार ने भाई मसल पुलिस कार को खींच के रख दिया है एक झटके में ही। अभी देखो भाई इसके अंदर मैं ब्रेक भी लगा रहा हूँ पर ब्रेक सही तरीके से लग नहीं पा रहे, क्योंकि भाई स्पोर्ट्स पुलिस कार बहुत ज्यादा स्पीड तरीके से इसको खींच के लेके जा रही है। वापस से जीत चुकी है स्पोर्ट्स पुलिस कार। अभी कराएंगे दोस्तों ड्रिफ्ट टेस्ट। अपनी मसल पुलिस कार जो है ना भाई इस तरह से देखो घूमते घूमते दो व्हील्स पर भी ड्रिफ्ट मार सकती है, और भाई ऑफ रोड में तो एकदम कमाल तरीके से ड्रिफ्ट मार सकती है, क्योंकि भाई इसका जो पीछे वाला व्हील्स है ना बड़ा ही कमाल का है और बहुत अच्छी ग्रिप मिल जाती है इसको ऑफ रोड में। इस वजह से देखो भाई क्या जबरदस्त तरीके से ड्रिफ्ट वगैरह मार रही है यहाँ पर। स्पोर्ट्स पुलिस कार जो है सही तरीके से ड्रिफ्ट नहीं मार सकती यार, यहाँ पे मैंने इसको ड्रिफ्ट मारने की कोशिश की पर देखो भाई ये सीधा जाकर गड्ढे में ही गिर गई। ओह माय गॉड। अभी मैं दोनों को ऑफ रोड में लेके आ चुका हूँ, यहाँ पे चला के देखते हैं भाई कौन अच्छी तरीके से ऑफ रोड में चल सकता है। यहाँ पे अपनी मसल पुलिस कार काफी अच्छी तरीके से ऑफ रोड में चल रही है, पर गिरते पड़ते तो चल रही है भाई, पर अपनी स्पोर्ट्स पुलिस कार देखो यार एक ही जगह पर रुक चुकी है, क्योंकि इसकी ग्राउंड क्लियरेंस कम है या इस वजह से आगे नहीं बढ़ पा रही है। ऑफ रोड चलने के मामले में अपनी मसल पुलिस कार पूरी तरीके से जीत चुकी है दोस्तों। अभी करते हैं फटाफट से लाइट टेस्ट। यहाँ पे अपनी जो स्पोर्ट्स पुलिस कार है इसके इंजन में भी लाइट आती है, ऊपर भी लाइट आती है, पर इसके अंदर कोई भी हेडलाइट नहीं दी गई है। वहीं अपनी मसल कार के अंदर देखो भाई हेडलाइट भी आती है, इंजन के ऊपर लाइट आ जाती है, पर ऊपर की तरफ कोई भी लाइट इसके अंदर देखने को नहीं मिलती है। तो भाई लाइट्स के मामले में मेरे को लग रहा है कि अपनी मसल पुलिस कार जीत चुकी है। दोनों कार की यहाँ पे बैटरी टेस्ट भी मैं आपको करके बता देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो यार दोनों कार जो है तकरीबन मैं 20 मिनट से भी ज्यादा समय से यूज कर रहा हूँ, तो दोनों के अंदर बैटरी भाई एक साथ ही खत्म हो चुकी है यहाँ पर। तो दोस्तों आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ आपको मसल पुलिस कार पसंद आई या फिर स्पोर्ट्स पुलिस कार पसंद आई, नीचे कमेंट करोगे इस फटाफट से अभी कभी। तो चलो अभी मैं दे देता हूँ शाउट आउट। सबसे पहला नाम आ जाता है अचिंत्या, देव निगम, रुद्रा, अद्वैत, अधिराज, रवि, जकी अख्तर, ईशान, सुमित, निशी राज। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट। बाय दोस्तों।